सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 11 o'clock और आज हमें पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि परसों है FS का एग्ज़ाम और कल का दिन ही है सिर्फ। और आज है संडे और आज मैम नहीं आएंगी किसी कारण से, किसी रीजन से आज मैम नहीं आएंगी। ये लोग ही जाएंगे मैम के घर। मुफासा हमारे साथ यहाँ पर बैठा है, निखत यहाँ पढ़ रही है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में आज कुछ नहीं, मैंने ओट्स बना दिए इन लोगों के लिए, बनाना विद बनाना और ये क्या होते हैं सीरियल के साथ। तो जल्दी से खा लेते हैं। पहले दोपहर के 2 बज गए हैं और निखत फैज से बस आने वाले हैं ट्यूशन से, वो लोग निकल चुके हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ। उन दोनों ने बोला, मतलब निखत फैज ने ना बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग रील्स वगैरह में इंस्टाग्राम पे कि पराठा, यूट्यूब पे भी। तो ट्राई करते हैं कि पनीर का, आलू का और थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप में पराठा है। तो आज उसको ट्राई करती हूँ कि कैसा है, जैसा बता रहे वाकई में यम्मी टेस्टी इतना होता है या नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो आज संडे भी है, ट्राई भी कर लेती हूँ, कुछ न्यू ट्राई करती हूँ। तो दोपहर के लंच में मैं आज बनाऊंगी पराठे आलू के, पनीर के, मतलब सारे मिक्स करके और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। निखत फैज आने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्याज को कट किया, हरी मिर्च डाली, उसके अंदर हरा धनिया भी ऐड करूंगी और यहाँ पे पनीर लिया, उसके अंदर भी थोड़े से प्याज डाल लिए, आलू भी है उसके अंदर भी थोड़े से प्याज, जैसे आलू का भरता बनाते हैं उस टाइप में। अब इसके अंदर से इसके आलू के अंदर ऐड करूंगी चाट मसाला, दोनों के अंदर हल्की सी लाल मिर्च और नमक और कुछ नहीं। तो जल्दी से अभी ऐड करती हूँ। तो जब तक निखत आती है, निखत फैज आते हैं, फिलिंग रेडी करके रख देते हैं। आटा भी मैंने गूंद दिया तो जल्दी से इसको पहले रेडी करती हूँ। अंदर अभी मैंने ऐड किया है हरा धनिया और अभी इनको अच्छे से मैश करते हैं। मेरी फिलिंग हो चुकी है रेडी, मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और यहाँ पे आटा भी है। तो अब जब निखत फैज आ जाएंगे फिर जब बनाना स्टार्ट करूँगी। इतनी देर में मैं नहा आती हूँ फटाफट से। जस्ट अभी निखत आ चुकी है, नहा भी लिया है, मैं भी नहा ली हूँ। ट्राई करते बनता ही नहीं बनता, वरना तो नमन पराठा खाने को, वरना फिर आलू का अलग पनीर का अलग पराठा बन जाएगा। यहाँ पे तो आटा तो है, सूखा आटा नहीं चाहिए। यहाँ हमारे पास 3 है, एक मसाला कहाँ है? वो था लाल मिर्च। इसके लिए सबसे पहले सिंपल आटा लेना है, मतलब इसको वैसे गोल गोल करके बेलेंगे, एक रोटी टाइप में बनानी है, मतलब रोटी बनानी है पहले। तो फ्रेंड्स, हमारा पराठा ब्लास्ट हो चुका है, थोड़ा सा स्टफिंग क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाई थी, आधा घंटा पहले, तो पानी छोड़े तो कोई नहीं। अब इसके अंदर एक मसाला ऐड होगा, वो तो इसको कलौंजी बोलते हैं शायद, आई डोंट नो, मुझे कि नहीं पता, राई बोलते हैं पता नहीं, इस वाले मसाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शायद कलौंजी बोलते हैं। तो कलौंजी मुझे नहीं पता, जो कैमरे के पीछे उसको भी नहीं पता है, पता नहीं, बस लेके आ गई हूँ। क्या बोलते हैं, नहीं पता क्या बोलते हैं, है क्या ये, अब नमक पानी में डालता है
एक पराठा खा के ना इंसान को भूख नहीं लगेगी 4-5 घंटों तक। इतना हैवी पराठा हो जाएगा। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। पराठा टिकोना होना था बट ये ट्राइंगल की जगह कुछ और ही शेप हो गई। कोई बात नहीं, शेप पे मत जाओ, शायद सेकंड वाला ठीक बन जाए। तो अब जल्दी से थोड़ी थोड़ी फिलिंग लेके बनाऊंगी। ज्यादा फिलिंग कर दी थी तो पहले इसको बनाते फिर आपको बताते। मैंने आज ज्यादा पनीर भुजी मैंने खा ली है तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स बन तो रहा है। इधर चार सॉस, केचप। केचप कहाँ गई वाली? अरे ये जो महिला है इनके मुंह में अभी से पानी आ रहा है तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या करेंगी। केचप विद अचार जिसका मुझे था बहुत दिनों से इंतजार। वो पराठा बनके हो चुका है तैयार। वाह 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 वाह। टेस्ट बताओ कैसा है? इतनी मेहनत के बाद मेरे को रिव्यू चाहिए। ठीक है अभी देखते हैं। इसके साथ दही होनी चाहिए थी। सॉस तो ले आते हैं। केचप बम्बा कोवा ऐसे चार का फ्लेवर, आलू का फ्लेवर, पनीर का फ्लेवर, मिर्ची और चिप्स का फ्लेवर। पराठा जल जाएगा। मेरा पराठा जल रहा है। क्या रहा? मेरा पराठा जल रहा है, खाऊंगा नहीं। इसको दे देते पहले। फैज लो। कैसे? यम्मी एकदम। केचप नहीं लाया? छोटा खा के तो देखो पहले कैसा है, फिर और बना देती हूँ। तो और खाओगी? देखने में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो बनेगा या नहीं बनेगा इजी, लेकिन बनाने में बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत टेस्टी है। निखत फैज को तो बहुत पसंद आया। आप कह रहे हैं अब मैं स्कूल में ना सिंपल पराठा मत भेजो करो, यही वाला पराठा भेजो करो। तो जल्दी से मैं अपने लिए बनाती हूँ और खाती हूँ। पेट भर गया। बहुत इजी और क्विक बनने वाला बहुत ही टेस्टी पराठा। ये हम लोग आए घूमने तो इसके लिए आइसक्रीम आए तो थे हम लोग। कोरोनेशन कहाँ पे? रील्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इनको आइसक्रीम, लेकिन कि बहुत ज्यादा पानी भर रहा है। अभी हम लोग आए थे पिक्चर में। चलते हैं। चलो कहीं कुछ भी काम नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ राज जंगलों के उस खूफिया जंगल में। वहां से भी पेड़ से जुड़ा हो रहा है। राज मूवी में आ गए हम लोग। मेरा दिमाग खराब। चलो चलो। हम लोग आए थे तो वैसे बैठने, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बैठा। रील्स इतनी सारी रील्स बना ली है बहुत ज्यादा, और अभी हम लोग जाने लगे। और यहाँ पे तो हर जगह पानी पानी था तो कहाँ पे बैठते हैं? सरोवर चलोगे? नो। तभी चल रहे हैं हम लोग घर की तरफ। अगर सरोवर में खुला होगा तो वहां से कुछ खा लेंगे। तो अभी इसके लग चुकी है चोट, दिखाइए उधर। गिरा ही है क्योंकि इसको शांति नहीं है ना। यहाँ पे भी पोपट कैंटीन के अंदर जाने नहीं दे रहे। और अभी हम लोग आ चुके हैं ना, सीधा घर चलते हैं, वहीं से कुछ खा लेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घर। हम पाशा को छोड़ के चले गए थे। गुस्सा आ रहा है। मैं गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है? हम छोड़ के चले गए थे। हाँ मुंह बंद कर, मक्खी घुस जाएगी। आप ऐसा मत करना, उछलते बंदर की तरह। क्योंकि शांति से बैठता नहीं है, जहाँ भी जाता है ना चोट लगवा के आया। अभी देखो वहाँ पे गया था खेलते खेलते नहीं, हम लोग चल रहे थे आराम से। अरे हमारे साथ चल ले, साथ नहीं चला। इसको ऊपर से बैनर जैसे होता है ना उसके ऊपर चल रहा था, इस साइड देख रहा था। और मतलब आगे से टर्न होता है ना, वैसे चल रहा था पैर फिसला, फटाक
वो तो सही, वो नाली को ढक रखा था, वरना तो उसका सीधा नाली में रखा। करेगा वैसी हरकतें? करनी है, करनी है। कैमरे के आगे बोला अब नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।